हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। यह सब नवरात्रि का सीजन चल रहा है फ्रेंड्स। साल में आप लोग के सामने बहुत ही टेस्टी नाश्ता लेके आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें देखने में कितना स्पंजी और क्रिस्पी रहा। किसी अगर किसी मांगे तो वह आपको सुनने में आएंगे फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने आज लेके आएंगे चावल का ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक कटोरी चावल को साफ कर लिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके और इसको हल्का पानी में धो करके रख लिया है। ये देखिए, मैंने एक कटोरी चावल का प्रयोग किया है। उसके बाद मैंने इसमें उसी कटोरी की नाप से दो कटोरी पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद हम 3 घंटे तक फूलने के लिए इसको चावल को रख देंगे फ्रेंड्स। 3 घंटे हो जाने के बाद हमको इसको पानी को निकाल लेना है। ये देखिए, 3 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैंने इसके चावल के पानी को बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, चावल हमारा कितना थोड़ा इस पानी में आ गया है। उसके बाद मैंने इसे जार में इसको ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। इसका हमको थिक पेस्ट नहीं तैयार करना है, गाढ़ा पेस्ट ही इसका तैयार करना है। ये देखिए, मैंने इसको मिक्सर पे इस तरीके का पेस्ट बना के रखा है चावल का। आइए, इसका पेस्ट बनाने के बाद इसको हमको रखना नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने 2 बॉईल किए हुए आलू, इसमें सबसे पहले बड़े का हम 2 तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 आलू उबाल लिए थे। उसको मैसा से या कद्दूकस से बारीक से उसको मैश कर देंगे, जिसमें एक गुरुखिया भी ना हो। ऐसे आलू का प्रयोग करना है, उबाल करने के बाद बहुत अच्छी तरीके मैश करना है। और आलू मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1/2 कटोरी धनिया का प्रयोग किया है फ्रेंड्स। और उसके बाद 1 कटी हरी मिर्ची, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद चावल का वड़ा बना करने के लिए मैंने इस तरीके का प्रयोग किया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरा, उसके बाद 1 चम्मच नमक को मैंने है जिसको हमको अच्छे तरीके मैश करना है, जिससे बड़े का ये हमको थोड़ा टाइट ही चावल है तो मिलाते ही देखिएगा आप इसको बड़े का कितना अच्छा दो तैयार हो जाएगा। 1 मिनट मिलाने के अपने आप ही जो हल्का गीला होगा तो भी साफ कर लेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह मैंने चावल के बड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत ही आसानी से चावल के बड़े बनने जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप इसको 2 मिनट में, चावल भी धो रहे हैं तो 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। मैंने पैन को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो चावल के वड़े हैं उसको इसी में ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे करके इसको हमको पकाना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्रिस्पी और स्पंजी बन के कर तैयार होंगे। ये देखिए, धीरे धीरे करके मैंने इसको ब्राउन सूप में कर दिया है। हमारे चावल के वड़े बन के तैयार भी हो गए हैं फ्रेंड्स। आइए, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। और आपको बताते हैं कितना अच्छा टेस्ट आया है फ्रेंड्स। इसको आप घर पे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। चावल के बड़े बनाने के लिए इसका डो थोड़ा टाइट ही रखना है, क्योंकि इसकी टिक्कियाँ हमको अच्छी तरीके बनाना है, इसलिए थोड़ा टाइट ही रहेगा। इसका पेस्ट बनाते समय आप पानी का प्रयोग मत करिएगा, इसको ऐसे ही 1 चम्मच पानी डाल के फिर इसका मिक्सर तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसको टमाटर की हरी चटनी के साथ बनाकर धनिया की खाया हुआ फ्रेंड्स। आप इसे घर पर बनाइए, खाइए जरूर, आपको बहुत ही टेस्टी खाने में आने वाला है। बहुत ही क्रिस्पी और स्पंजी है फ्रेंड्स। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना टेस्टी आ रहा है खाने में फ्रेंड्स। आप इसे घर पर जरूर से ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चावल के बड़े पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।